bum bum chicky bum 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 chicky bum bum. नमस्कार बच्चों. नमस्ते दीदी. सभी सुनने वाले भाई बहनों और बच्चों को भी रश्मि शाही का प्यार भरा नमस्कार. तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नई कहानी, कविता और कुछ मजेदार सी रोचक जानकारियां लेकर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कुछ किस्से कुछ कहानी में. तो सब तैयार हैं? जी दीदी. ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी जिसका शीर्षक है अनोखा घोंसला. इस कहानी की लेखिका है कविता सिंह और चित्रकार है पार्थो सेन गुप्ता और इस कहानी को छापा है रूम टू रीड संस्था ने. बहुत अच्छे. तो बच्चों आज हम एक पक्षी की कहानी सुनाएंगे. सबने पक्षी तो देखे ही होंगे. जी दीदी. अच्छा बताओ कौन कौन से पक्षी देखे हैं? कौवा, तोता, बत्तख, बुलबुल, गौरैया, बगुला, मैना, मोर, चील और कबूतर. अरे वाह बच्चों, आपको तो बहुत सारे पक्षियों के नाम याद हैं. हमारी कहानी में जो पक्षी है ना उसका कोई नाम नहीं है. तो क्या हम इस पक्षी का कोई नाम रख सकते हैं? कोई बताएगा? बुलबुल. ठीक है बुलबुल. तो हमारी कहानी का पक्षी एक बुलबुल है. अब कहानी शुरू करते हैं. अच्छा क्या आप जानते हैं कि ये बुलबुल रहती कहाँ है? घोंसलों में. और कहाँ? बिल्कुल सही. बता सकते हो कि ये बुलबुल अपना घोंसला बनाने के लिए जगह कैसे चुनती होगी? सोचो सोचो बताओ जरा. दीदी वो ऐसी जगह चुनते होंगे जहाँ वो आराम से सो सके, जहाँ उनके बच्चे बिना किसी से डरे रह सके और खेल सके, कोई उन्हें परेशान न कर सके. बिल्कुल सही. आज मैं आपको ऐसे ही बुलबुल की कहानी सुनाने वाली हूँ जो अपना घोंसला बनाने के लिए जगह तलाश रही है. अब पर एक बात बताओ, ये बुलबुल जगह क्यों तलाश रही होगी? क्योंकि उसका कोई घर नहीं होगा और सर्दी का मौसम आने वाला है. हाँ सर्दी का मौसम आने वाला है और ठंड में बुलबुल बाहर कैसे रहेगी, इसीलिए वो घोंसला बनाने का फैसला करती है. आखिर उसने घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ का चुनाव किया. वो तिनका तिनका जोड़कर लाती और उनको ठीक से जमाती. बड़ी मेहनत से आखिरकार एक सुंदर, आरामदायक और नरम सा घोंसला बना ही लिया. अब वो बहुत खुश हुई. बता सकते हो बुलबुल खुश क्यों हो रही होगी? उसे लगा इस बार वो सर्दी के मौसम में आराम से रहेगी, उसे ठंड में बाहर भटकना नहीं पड़ेगा. वेरी गुड. तो बुलबुल बहुत खुश थी. तभी सोचते सोचते उसे नींद आ गई. अचानक उसे लगा कि उसका घोंसला हिल रहा है. फिर सोचा शायद हवा से हिल रहा होगा, लेकिन फिर घोंसला जोर जोर से हिलने लगा. बच्चों जरा सोचो बुलबुल का घोंसला जोर से क्यों हिल रहा होगा? जोरों की हवा चल रही होगी. कोई बुलबुल के घोंसले को तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा. हो सकता है कि कोई सांप या नेवला अंडों की तलाश में बुलबुल के घोंसले में आया होगा. हाँ हो तो सकता है. देखते हैं क्या होता है. बुलबुल झटपट उस पेड़ से उड़ गई और बुलबुल के घोंसले से उड़ते ही घोंसला पेड़ से नीचे गिर गया. बुलबुल ने पता है क्या देखा? एक हाथी पेड़ से पीठ गुजा रहा है. बुलबुल ने हाथी को खूब बुरा भला कहा. अब उसने एक नई जगह ढूंढी. कोई बता सकता है कि इस बार बुलबुल कैसी जगह ढूंढेगी? जहाँ हाथी ना आ सके, जहाँ उसे अपना घोंसला गिरने का डर ना हो. बिल्कुल सही.
अब बुलबुल ने फिर से घोंसला बनाने की सोची, लेकिन वो परेशान थी कि आखिर वो अपना नया घोंसला कहाँ बनाए। इस बार उसने एक घर में घोंसला बनाने का मन बनाया, लेकिन वहां भी उसने अपना घोंसला नहीं बनाया क्योंकि उस घर में कोई उसे पसंद नहीं करता था। कुछ दिन बाद उसे एक दूसरा घर मिल ही गया, जहां उसने बड़ी मेहनत से एक आरामदायक घोंसला बनाया। फिर वो आराम से लेट गई। लेटे लेटे वो कुछ सोचने लगी, तभी उसे दो बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दी। वो बहुत डर गई। बता सकते हो वो किसकी आंखें हो सकती है? उल्लू की, बंदर की, सांप की, बिल्ली की। नहीं, बुलबुल घबराकर झट से वहां से उड़ी। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा तो वो आंखें एक आदमी की थी। हाँ, आदमी की। उसने घोंसले की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, खींच कर बाहर निकाला और नीचे फेंक दिया। फिर झाड़ू लगाने के बाद पुताई करने लगा। बुलबुल को बहुत दुख हुआ। उसने आदमी को बहुत बुरा भला कहा और दुखी मन से वहां से उड़ चली। वो उड़ती जा रही थी तभी उसे एक गुब्बारा दिखाई दिया। कुछ और उड़ी तो दूसरा गुब्बारा दिखा और नीचे देखा तो उसे बहुत सारे गुब्बारे दिखे। इतने सारे गुब्बारों को देखकर वह बहुत खुश हो गई। उसे एक तरकीब सूझी। उसने गुब्बारों के धागों से बांधकर फिर से अपना घोंसला बनाया, एक अनोखा घोंसला, हवा में उड़ता घोंसला, जहां कोई उसे परेशान न कर सके। ये! तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। पर दीदी, उस पोताई करने वाले आदमी ने बुलबुल का घोंसला क्यों फेंक दिया? हाँ, सवाल तो बहुत अच्छा है। क्या तुम में से कोई जवाब देगा इस सवाल का? उस आदमी ने सोचा होगा कि अगर घोंसला रहेगा तो वो उस जगह पोताई नहीं कर पाएगा और मालिक उससे लड़ेगा, या हो सकता है कि पैसे भी काट ले। आदमी ने सोचा होगा कि घर में घोंसला रहेगा तो खूब कचरा फैलेगा। उसने सोचा होगा कि अगर बुलबुल घोंसले में अंडे देगी तो अंडों की तलाश करता हुआ कोई सांप घर में ना आ जाए। शाबाश अनु, संजय और इशत, आप तीनों ने बहुत खूब सोचा। अच्छा ये बताओ कि बुलबुल अपना घोंसला किन किन चीजों से बनाती है? घास, रुई, धागा, कागज, तिनके और पत्तियों से। वेरी गुड। अच्छा, बुलबुल अपने अंडों की देखभाल कैसे करती है, आपने देखा है कभी? हाँ, अंडे देने के बाद ज्यादा समय तक घोंसले में ही बैठे रहती है। बीच में थोड़ी देर के लिए खाना लेने जाती है, पर घोंसले से ज्यादा दूर नहीं जाती। जब एक बुलबुल घोंसले से बाहर जाती है तो दूसरी बुलबुल घोंसले के पास ही रहती है, और अगर कोई खतरा लगता है तो जोर जोर से चिल्लाकर बहुत सारी बुलबुलों को बुला लेती है और सब मिलकर आवाजें करते हैं, जिससे सांप या नेवला तक घबराकर भाग जाते हैं। भाई बहुत खूब। अच्छा, कोई तुम्हारी मनपसंद चीज बिगाड़ देता है तब तुम क्या करते हो? गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि वैसी ही चीज ला कर दो। मैं बोलती हूँ कि सॉरी बोलो और इसे ठीक करके दो। काफी समझदार हो गए हो तुम लोग। तो चलो अब कविता सुनते हैं। जी दीदी। जो कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है चार चने। इस कविता को हमने NCERT द्वारा पहली कक्षा के लिए छापी गई किताब से लिया है। तो शुरू करें कविता। जी दीदी। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते। तोते को खिलाते तो टाए टाए गाता, टाए टाए गाता तो बड़ा मजा आता। तोते को खिलाते तो टाए टाए गाता, टाए टाए गाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते,
चार में से एक चना घोड़े को खिलाते। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते। घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बिठाता, पीठ पे बिठाता तो बड़ा मजा आता। घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बिठाता, पीठ पे बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते। चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। अब आज की पहेली। चढ़े नाक पर पकड़े कान, जब भी पड़ता लगा के ध्यान। नाक पे चढ़ता है, कान पकड़ता है, क्या है यार? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, बताना तेरे को। अच्छा हाँ, चश्मा। अब जरा टंग ट्विस्टर हो जाए। चलो, बंदर तगड़ा खाकर अकड़ा, मोटा लकड़ा रोया दुखड़ा। बंदर तगड़ा खाके अकड़ा, मोटा लकड़ा दुखड़ा। बंदर तगड़ा खाके अकड़ा, मोटा दुखड़ा। खाकर तगड़ा खाकर अकड़ा, मोटा लकड़ा रोया दुखड़ा। ये तो आया ना मजा? जी दीदी। चलो अब बात आज के मुहावरे की, जो है बुरा भला कहना। अरे इसका क्या मतलब है? इतनी बार हमने कहानियों में पढ़ा, डांटना या गुस्सा होना। तो भाई अभी आपने सुना कि जब हाथी की वजह से चिड़िया का घोंसला टूट गया तो वह हाथी को बुरा भला कहती है। हाँ, पर ये बुरा भला कहना क्या होता है? दरअसल जब किसी को गुस्सा आता है तो वो उसे बुरा कहता है। अब जैसे हाथी की वजह से बुलबुल का घोंसला टूट गया, तो बुलबुल को हाथी पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो हाथी को बुरा कह रही थी। समझ आया? जी दीदी। तो चलो इसी मुहावरे से कुछ वाक्य बनाते हैं, कोशिश करोगे? सोनू ने राजू की पतंग काट दी, राजू ने सोनू को बुरा भला कहा। माँ ने भूमिका को किताब लाने के लिए पैसे दिए और भूमिका ने उन पैसों से टॉफी ले ली, तो माँ ने भूमिका को बहुत बुरा भला कहा। कल दादाजी ने 3 रसगुल्ले खा लिए तो दादी ने उन्हें खूब बुरा भला कहा। अरे तो इसमें गलत क्या है, या नाराज होने वाली क्या बात है? दादाजी को शुगर है ना, डॉक्टर ने उन्हें मीठा खाने से बिल्कुल मना किया है। हाँ, तो ये वजह हुई ना, तो हमें वजह भी पता होनी चाहिए। इसलिए हमें कहना चाहिए था कि दादाजी को शुगर है, फिर भी उन्होंने 3 रसगुल्ले खा लिए तो दादी ने उन्हें खूब बुरा भला कहा। समझ आया सबको? जी दीदी। तो फिर बच्चों, और हाँ, हमारे कार्यक्रम कुछ किस्से कुछ कहानी के प्यारे प्यारे श्रोताओं, अब अपनी दोस्त रश्मि शाही को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी एक नई कहानी, नई कविता, कुछ मजेदार बातें और खेल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।